गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सप्तम कक्षा के हिंदी विषय से यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में बच्चों पहला पाठ कविता समझाया गया है। मुझे आशा है कि तुम लोग को अच्छी तरह से कविता समझ में आ गई होगी और उसके शब्द ज्ञान प्रश्नोत्तर तुम लोग पढ़ रहे होगे और पाठ का इस कविता का भाव स्पष्ट करने में सक्षम हो रहे होंगे। आज दूसरे वीडियो में पाठ संख्या 2 गवई राम, जिसके लेखक हैं श्री मुरलीधर, मैं उसको स्पष्ट करना चाहती हूँ। लेखक मुरलीधर एक व्यक्ति विशेष को माध्यम लेकर इस पूरी कहानी की, इस पूरे पाठ की रचना करते हैं और एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गांव और शहर में बहुत ही अंतर है। कहा जाता है भारत गांव का देश है और 80% लोग कृषि पर विश्वास रखते हैं, उसी पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, एक व्यक्ति विशेष गवई राम है जो इस पूरे कहानी का इर्द गिर्द घूम रहा है, मुख्य पात्रता को निभा रहा है। तो कहानी में गवई राम है जिसके परिवार में कुल मिलाकर 3 व्यक्ति हैं, 3 सदस्य हैं। स्वयं गवई राम, उसकी पत्नी धनिया और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था भोलू। गवई राम के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें खेती बाड़ी करके वह अपना गुजर बसर करता था, परिवार का भरण पोषण करता था। खेती बाड़ी का काम तो पत्नी धनिया और भोलू संभाल ही लेते थे। हाँ, कभी कभार गवई राम खेती में को देखने के लिए चला ही जाता था। तो एक बार उसने सोचा और उसकी पत्नी भी ऐसा विचार की कि क्यों ना परिवार को चलाने के लिए कुछ आमदनी चाहिए, तो उस रोजगार के लिए शहर की ओर निकले। गवई राम भी ऐसा मन बना लिया और सोचने लगा, क्यों ना हम शहर जाकर रोजगार ढूंढे और परिवार का निर्वाह के लिए कुछ आमदनी किया जाए। पत्नी भी स्वीकार कर ली। फिर क्या था, पंडित जी को बुलाया गया और शुभ मुहूर्त देखा गया और उसी मुहूर्त के अनुसार गवई राम तैयार हुआ। उसके जेब में 200 रुपए थे, उसे लिया और उसकी पत्नी सब्जी और पूरी रास्ते में खाने के लिए तैयार कर दी और उसे दे दिया। वह शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते जब वह रोजगार की तलाश कर रहा था, उसकी मजबूत लाठी से एक व्यक्ति अचानक टकराकर सिर पकड़कर भूमि पर गिर पड़ा, सिर पकड़े रहा। तभी गवई राम पीछे मुड़कर देख रहा है, कुछ लोग दौड़े भागे आ रहे हैं और उस व्यक्ति को पकड़ लिए और उसे मारते पीटते ले जा रहे हैं। गवई राम बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि एक तो वह व्यक्ति को चोट लगी है और लोग उसे मार रहे हैं। बाद में गवई राम को पता चला कि वह एक जेब कतरा था, इसलिए लोग उसे मार रहे हैं। फिर कुछ आगे बढ़ा, वह तो थक कर चूर हो ही गया था, उसके पेट में भी चूहे कूदने लगे। चूहे कूदने का मतलब समझते हो, उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। वह चारों तरफ देखा, उसे एक होटल दिखाई दिया। वह उस होटल में दाखिल हुआ और वेटर को रोटी सब्जी और दाल परोसने के लिए कहा। वेटर ने रोटी सब्जी और दाल परोस दिया। आधे घंटे तक गवई राम डट कर अपना पेट भरा। भोजन करने के बाद वेटर बिल लेकर आया, वह 100 रुपए का बिल था। यह देखकर गवई राम का सिर चकरा गया। फिर भी वह तो भोजन कर चुका था, उसे पैसे तो देने हैं। पॉकेट में हाथ डाला तो उस जेब में पैसे तो थे ही नहीं, जेब तो कटी हुई थी। वह तुरंत समझ गया कि किसी जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली है। उस होटल के मैनेजर ने उसे पैसे देने के लिए कह रहा था, ना देने पर उसे बहुत खरी खोटी सुनाया, बहुत भला बुरा कहा। अब मरता क्या ना करता, चुपचाप भूत बना खड़ा था गवई राम। इसके बदले में
उस होटल के मैनेजर ने उसे 5 दिन के लिए उस होटल में काम करने के लिए कहा। गवाई राम चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया कि भले ही उस पैसे को देने के बदले मुझे 5 दिन काम करने पड़े। वह स्वीकार कर लिया। शाम हुई, होटल का मैनेजर अपने घर की ओर चला तो हिदायत दिया गवाई राम को कि होटल की अच्छी तरह से देखभाल करे, पहरेदारी करे और बिल्लियों से भोजन को, दूध को बचा कर रखे। फिर रात हुई, गवाई राम होटल में बचा हुआ खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। वह तो थक कर चूर था ही, उसे जोरों की नींद आ रही थी, वह सो गया। कुछ ही देर में खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वह देखा बर्तन से ढक्कन उठाकर दूध लेने का प्रयास में बिल्ली जुटी है, उसे भगाया, फिर सो गया। दूसरी बार फिर खड़खड़ाहट सुनाई दी, फिर वह उठा हड़बड़ाकर और बिल्ली को फिर से भगाया। तीसरी बार फिर से खड़खड़ाहट सुनाई दी, वह बड़ा क्रोधित हुआ और यह सोच लिया कि भले ही बिल्ली दूध पी ले या कुछ भी हो जाए, मैं अब नहीं उठूंगा। और वह लंबी तान कर सो जाए उसके पहले अपनी मजबूत लाठी फेंक कर उसी दिशा में दे मारा और सो गया। सुबह हुआ, मैनेजर शटर खोला होटल का तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह देखता क्या है कि एक व्यक्ति चारपाई के पास, जिस चारपाई पर गवाई राम सोया पड़ा है, वहीं पर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है और उसके सिर से लहू निकल रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देख रहा है एक व्यक्ति और चारपाई के नीचे बेहोश पड़ा है। वह इसलिए बेहोश था क्योंकि गवाई राम का भारी भरकम शरीर उस व्यक्ति के ऊपर लदा हुआ था। अब क्या था, यह सब देखकर होटल का मैनेजर तुरंत टेलीफोन पर अपने होटल का मालिक को बुलाया, पुलिस को खबर दी गई। थोड़ी ही देर में होटल का मालिक और पुलिस पहुंच गए। गवाई राम को इसके लिए बहुत शाबाशी दी गई और होटल का मालिक जो था वह गवाई राम को हमेशा के लिए उस होटल में काम दे दिया। गवाई राम यह देखकर बड़ा ही खुश हुआ और आश्चर्य भी किया कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें इतना बड़ा इनाम मिला। वह खुश इसलिए हुआ कि जिस रोजगार की तलाश में वह शहर तक आया था उसे वह हासिल हो गया। तो बच्चों, यहाँ तुम लोग ध्यान दो कि सीधा साधा, बिल्कुल साधारण सा जीवन व्यतीत करने वाला गवाई राम के हृदय में किसी तरह का किसी के प्रति कपट या छल नहीं था। तो मनुष्य को भी चाहिए दूसरे के प्रति किसी तरह का भेदभाव, कपट या छल की भावना न रखे, अंततः वह सफल अवश्य होगा। अब बच्चों, इस पाठ को तुम लोग को सारांश समझाया गया है, इसको सुनोगे और अपने पाठ्य पुस्तक खोलो, पाठ संख्या 2 को निकालो और उसी कहानी को, गवाई राम शीर्षक कहानी को ध्यान से पढ़ो। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और इस वीडियो को ध्यान से सुनो कि तुम्हारी शिक्षिका इसके विषय में क्या स्पष्ट कर रही है, क्या समझा रही है, कहानी का उद्देश्य भी क्या है। उसके बाद पाठ के अंत में अभ्यास है, उसमें बहुत सारा मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ दिया गया है, उन मुहावरों का अर्थ को तुम लोग को याद करना है। उसके बाद अपनी अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में मुहावरा लिखकर 2-2 वाक्य बनाना ताकि तुम लोग का ये मुहावरा हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाए, भाषा की जानकारी में वृद्धि हो, विकास हो। उसके बाद है लिखित मौखिक के प्रश्नोत्तर, मौखिक के प्रश्नोत्तर, लिखित के प्रश्नोत्तर, यानी उसमें है लघु उत्तरात्मक, फिर दीर्घ उत्तरात्मक, मूल्य परक के प्रश्नोत्तर स्टडी मटेरियल के माध्यम से तुम लोग को दिया गया है। अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ अक्षरों में लिखोगे और उसे पढ़ोगे, समझने का प्रयास करोगे। और परीक्षाओं में यह जरूरी नहीं है कि जो टीचर, जो शिक्षिका वाक्य लिखी है या समझाई है उसी वाक्य को लिखा जाए उत्तर में, खुद से यथा संभव अपने शब्दों में उसका उत्तर तुम लोग दे सकते हो। उसके बाद है व्याकरण खंड, व्याकरण खंड में पहला वाला प्रश्न है
कि दो दो अक्षरों से मिलाकर छोटे छोटे शब्द हैं, उनसे तुम लोगों को मात्राएं लगाकर चार चार और अन्य शब्द बनाने हैं। जैसे है बल, बल से बॉल, बाला, बाली, बोलना, बोलो इत्यादि। फिर है तल, तल, तल से तेल, तैल, तौल, तुला, तौलना इत्यादि। फिर है कर, कर से करना, करो, करे इत्यादि। फिर खल है खल, खेल, खेलना, खोलो इत्यादि। फिर अंतिम वाला शब्द है जो कल है, कल, काला, काली, कॉल इत्यादि। अंतिम में इस प्रश्न संख्या 5 में तुम लोग देखोगे पूरा वाक्य है और उसका प्रश्न है वाक्यांश के लिए शब्द। तो पूरा पूरा एक वाक्य नहीं लिखकर एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, जो बच्चों ये भाषा की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला वाक्य है गांव में रहने वाला, गांव में रहने वाला को क्या कहते हैं, सिर्फ लिखोगे ग्रामीण। शहर में रहने वाला शहरी। जो खेती बाड़ी का काम काज करे वह खेतीहर या किसान। भारत में रहने वाला भारतीय। ऊंची ऊंची इमारतें, अट्टालिका। जो बहुत अधिक खाए पेटू। पैदल चलने का मार्ग पगडंडी। इसके बाद है अलग से एक प्रश्न है जो व्याकरण को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में बच्चों विच्छेद का मतलब है तोड़ना, यानी अक्षरों को तोड़ना। एक एक शब्द दिया गया है, उन्हें व्यंजन और स्वर अक्षरों में तोड़ने होते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान देना कि व्यंजन अक्षर पराधीन होता है, उसे स्वर अक्षर की जरूरत होती है बोलने में। और स्वर अक्षर हमेशा ध्यान दोगे वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उसमें किसी भी हलंत की जरूरत नहीं होती। जब शब्दों को तोड़ोगे तो व्यंजन अक्षर के नीचे हलंत लगाओगे और स्वर को लिखोगे तो उसमें कभी भी हलंत नहीं लगेगा। इस तरह से तीनों शब्दों को तुम लोग विच्छेदित करोगे। अब इतना तुम लोग ध्यान से समझ लो वीडियो के माध्यम से, दूसरा पार्ट भी अच्छी तरह से समझ लोगे। उसके बाद अगले वीडियो में तीसरा तुम लोग को पार्ट समझाया जाएगा, तब तक के लिए तुम लोग इसको स्पष्ट कर लो। धन्यवाद।